उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना सोनभद्र के म्योरपुर एयरपोर्ट को पूरा करने के लिए मुख्य सचिव व विशेष सचिव विशाख उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले का दौरा किया। उन्होंने म्योरपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के साथ ही जिले के आलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस समीक्षा बैठक में वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं समीक्षा बैठक के बाद जिलाधिकारी सोनभद्र अभिषेक सिंह ने बताया कि कई विभागों की क्लियरेंस न मिलने की वजह से निर्माण कार्य में देरी हो रही थी, लेकिन अब क्लियरेंस मिलने के कारण बहुत जल्द परियोजना पूरा कर लिया जाएगा और उसके पूरा होने से आसपास की इंडस्ट्री और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या किस बात को लेकर बैठक थी? उसमें ये एयरपोर्ट का जो कार्य चल रहा है उसका रिव्यू करा गया था, उसकी टाइमलाइन जो डिसाइडेड उसके अनुसार समीक्षा हर डिपार्टमेंट की करी गई थी। एयरपोर्ट वाराणसी डायरेक्टर भी आए थे, उन्होंने भी अपना फीडबैक और इनपुट दिया है। तो जल्दी इसको ऑपरेशन बनाने की रिव्यू करें, फिर वीकली और मंथली रिव्यू करा जाएगा, उसके बारे में समीक्षा की। तो जिस हिसाब से 2019 में इसका उद्घाटन होना था, लेकिन 2019 में न होके अभी 2021 नहीं, अब जल्दी से हो जाएगा, कुछ टाइम में थोड़ा सा काम बचा। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं कुछ नहीं आ रही, कुछ कुछ क्लियरेंस होती है वो मिल गए, कंस्ट्रक्शन काम में टाइम लग रहा है, तो वो टाइम लाइन डिसाइड होगी तो हो जाएगा टाइम। जिस तरह से हमें मुआवजे की बात आ रही है कि मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, और मुआवजा बहुत सारे लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि मुआवजा उनको पहले डिसाइड हुआ था कि मिलेगा, फिर अब कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से नहीं मिला, तो इस पर कुछ चर्चा हुई सब पे चीजों पर इस पर बता दिया जाएगा। तो अभी क्या लगता है कि कब तक ये पूरा होगा? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एक्चुअली टाइमलाइन बताना अभी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा ये। जिस तरह से बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे खुद अक्टूबर में उद्घाटन करने की मंशा रखते हुए हैं, तो क्या अक्टूबर तक ये पूरा हो जाएगा? हो जाना चाहिए, हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अड़चने किस बात की? अड़चने कंस्ट्रक्शन का वॉल बननी है, कुछ और भी कंस्ट्रक्शन होता है, टाइम तो लगता ही ना, उसका आएगा तो उसका रिव्यू ये होगा कि वीकली रिव्यू करेंगे, मंथली रिव्यू करेंगे, अलग इससे टाइमली हो जाएगा। कई बार एक काम अटकता है उससे पूरा प्रोजेक्ट अटकता है ना, उस तरह से। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी जगह पे यहाँ पे लोकेशन है, तो यहाँ पे किस किन क्षेत्रों को फायदा होगा? जैसे आसपास सब जगह इंडस्ट्रीज हो गए, सिंगरौली तक सबको फायदा हो जाएगा अगर यहाँ नॉर्मल रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट चालू हो जाती है तो।